सबसे पहले मैं आज मैं बनाऊंगी देहाती आलू दम। इसके लिए मैं आलू बॉईल करके रख दिए हैं और इसको कट करके रख दिए हैं। इसमें लगेगा मेरा ये लहसुन और ये गोटा लहसुन और ये है बड़ी इलायची और ये है लौंग और ये है जीरा खड़ा और ये तेज़पत्ता सूखी मिर्ची एक गोटा प्याज थोड़ी सी कट कट करके हम रखे प्याज। उसके बाद जो भी हम कैसे बना रहे हैं वो दिखाते हैं आप लोग को। अब मैं इसे बना रही हूँ, देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा दे रहे हैं, जीरा सूखी मिर्ची हरी मिर्ची तेज पत्ता बस गार्निश के लिए बाहर करके रखे हैं थोड़ा। ये लहसुन प्याज और ये लहसुन, ये हम जो पीस करके प्याज रखे थे वो डाल दिए। उसके बाद रही लहसुन डाल दिए, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, जीरा पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर पाउडर ताकि नीचे से जले नहीं। तो हल्का सा पानी देके इसको थोड़ा सा बॉईल किया आलू जो छल छिल के रखे थे वो डाल दिए। अब इसमें मेरा सारा मसाला आलू में हो गया है, सारा मसाला इसका लथपथ हो गया है। पानी डाल दें, जो जैसा ग्रेवी रखेंगे वैसा पानी अपने हिसाब से डालें। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, हल्का सूखा सूखा ही रखूँगी। अब मेरा देखिए आलू दम तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। इसमें है गरम मसाला, ये मेरा ये गरम मसाला हम घर में तैयार किए हैं। ये हम भी बता दें कैसे बनाते हैं गरम मसाला। तो ये मेरा तैयार हो गया देहाती आलू दम। तो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करें कमेंट करें। बहुत टेस्टी लगती है ये देहाती आलू दम, चावल पुलाव रोटी पराठा पूरी सब सब खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार बनाकर जरूर खाएं मेरा रेसिपी। बाय टाटा।